सिबिलिटी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए हमारे को, को तो बहुत सारे परिवार की जिम्मेवारी है ना हम कैसे कर सकते हैं हटके सोचना पड़ेगा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाने पड़ेंगे उनकी तो फैमिली ही नहीं थी Hey जोश की फैमिली से ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है हमें कि यूपीएससी एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए आज मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आ, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपने सोचा कि ये एग्जाम किस लिए आपको आ, देना पड़ता है किस काम के लिए बुलाया जा रहा है आपको बेसिकली यू आर बींग हायर्ड एज ए मैनेजर मैनेजर ऑफ़ लॉ एंड ऑर्डर मैनेजर ऑफ फाइनेंसेज मैनेजर ऑफ़ रिसोर्स मैनेजर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजर ऑफ ऑल काइंड मैनेजर ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स एन एफिशियंट मैनेजर इज वॉट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू तो संभवतः ऐसा कह सकता हूँ मैं कि जब आप एक ऐसे जॉब के लिए हायर किए जा रहे हैं जहाँ पे आपकी एफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत है उन्हें वाई नॉट यू स्टार्ट मैनेजिंग फ्रॉम योर ओन सेल्फ बिकॉज अभी तो बात कर रहे हैं आपको अपने मैनेजमेंट की अपने फैमिली के मैनेजमेंट की फिर तो पूरे जिले को मैनेज करना होगा बड़े बड़े जोन को मैनेज करना होगा बहुत सारे रिसोर्सेस की को मैनेज करना होगा प्रॉब्लम्स को मैनेज करने होंगे स्टार्ट गेटिंग द ट्रेनिंग एट दिस स्टेज इथ सेल्फ देखिए अगर आप इसको अपना लें इंटरलाइज कर लें सोच लें कि नहीं मैंने तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे को मेरे को खुला छोड़ दो आज़ाद कर दो तो मैं आई बन जाऊँगा नहीं बनते हैं उसकी वजह से आई कई बार लोग इसको एक आ, आ, बहाना बना लेते हैं आई डोंट वॉन्ट यू टू एक्चुअली टेक दिस बिकॉज मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कंस्ट्रेंट के बाद भी आज इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में सफल होकर के आई एस आई पी एस आई आर एस या फिर दुनिया में आई एफ एस बनकर सर्व कर रहे हैं द सो मेनी ऑफ देम हु आर डूइंग दिस जॉब एंड देन दे हैव फॉट देयर डू नॉट काउंट दिस एज एन ऑर्ट काउंट दिस एज ए काइंड ऑफ चैलेंज अगर इसको चैलेंज के रूप में देखते हैं योर माइंड स्टार्ट वर्किंग फॉर सोल्यूशन एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर ए मोड विच यू कॉल एस सेल्फ पिटी नहीं हमारे को क्या हमारे को तो बहुत सारे परिवार की जिम्मेवार है ना हम कैसे कर सकते हैं आई नॉट डू इट बिकॉज ऑफ गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली को मैनेज करना है नहीं आई थिंक यू हैव टू शो दैट आई एम स्पेशल आई कैन डेफिनेटली नॉट थिंक ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट इट ये गोल आपने चुना है आपकी फैमिली का गोल संभवता यह नहीं है ये आपका पर्सनल निजी गोल है अगर आपने इसको निजी पर्सनल गोल के रूप में अपना लिया है आई एम श्योर यूल फाइंड अ सोल्यूशन एंड देन डेफिनेटली आपको थोड़े से इनोवेटिव होने पड़ेंगे आई आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट कि जहाँ भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आपके टाइम जाते हैं अलाइड एक्टिविटीज़ जो कि ये यू पी से संबंधित नहीं है अलाइड एक्टिविटीज़ में अगर आपके टाइम जाते हैं यू कैन ट्राई स्टिलिंग टाइम फ्रॉम दैट और अलाइड एक्टिविटीज़ बहुत सारे हो सकते हैं चाहे आपको ट्रैवल का अलाइड एक्टिविटीज़ हो सकता है अलाइड एक्टिविटीज़ एंटरटेनमेंट का हो सकता है सोशलाइजेन का हो सकता है सम्भवतः स्लीपिंग का भी हो सकता है दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टील टाइम एंड देन मैनेज योर फैमिली एंड देन आई एम श्योर कुछ थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाने पड़ेंगे इनोवेटिव होना पड़ेगा एंड देन ये पॉसिबल है uh, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट आई हैव ऑल्सो सीन पीपल हु ओपन देयर आईज इन एन ऑर्फनेज उनकी तो फैमिली ही नहीं थी आज वो आई हैं अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी तो फैमिली है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है जिनकी फैमिली नहीं थी कभी उनके बारे में सोचिए और वो भी बन बन चुके हैं आई एस ऑफिसर आई थिंक इट इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज रिजॉल्व दैट इज वॉट इट मैटर्स हियर नॉट दैट दैट आई हैव गॉट दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑन दैट ऑब्स्ट्रक्शन देखिए किसी को आप ऐसे सोच सकते हैं कि फैमिली की समस्या है किसी को फाइनेंस की समस्या है किसी को हेल्थ की समस्या है किसी को लोकेशन uh, की समस्या है किसी को गाइडलाइन की किसी को कुछ और समस्या है समस्या सबके पास है हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू डील विथ योर ओन पर्सनल चैलेंजेस इफ यू आर एबल टू डील पर्सनल चैलेंजेस यू विल बी हायर टू डील विद द बिगर चैलेंजेस विच द कंट्री इज वेटिंग एंड लुकिंग फॉर वर्क विद लॉर ऑफ एंटिसिपेशन दैट यू बी हैंडलिंग दैम इनफैक्ट आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत सपोर्ट करता है

फैमिली आपका स्ट्रेंथ है फैमिली आपकी वीकनेसेस नहीं हो सकती हैं आप यकीन मानो अगर फैमिली को कॉन्फिडेंस में ले रखा है और उनके साथ आप करना चाहते हैं अचीवमेंट आपका मल्टीप्लाई हो जाता है हाँ लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो ये जरूर ध्यान रखो ये आपका गोल है आपकी फैमिली का गोल नहीं है आई एम श्योर वेन यू गेट ऑल द सक्सेस यू वुड फाइंड द फैमिली वुड इन्जॉय एज मच एज यू आर एंजॉइंग दैट्स ट्रू बट दैन एट दिस टाइम इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग इफ द डो नॉट अंडरस्टैंड आई थिंक एक्सेप्ट दैट दिस इज माई गोल दिस इज माई चैलेंज आई हैव गि माई सेल्फ आई एल बी एबल टू अचीव एंड देन मेक एवरीबडी कंफर्टेबल लेटर एक्सपेक्टेशन मत करो कि फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करती है फैमिली समझती क्यों नहीं है फैमिली के लिए तो मैं कर रहा हूं नहीं अगर वहां से सपोर्ट कम आती है तो अपने जिद के स्केल को बढ़ा दो अगर जिद का स्केल बढ़ गया तो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन था उसकी कमी पूरी हो जाती है आप कभी बैठ करके एकदम अकेले शांत सोचना कि ये मेरा गोल है मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है मैं दूसरों के लिए अभी से कर रहा हूँ लेट मी मैनेज माई सेल्फ लिटिल बेटर एंड देन स्पेशली इसमें देखो जो समस्या आती है वो समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट की 24 घंटे सबको मिले हैं आपको भी 24 घंटे मिले हैं कुछ चीज़ें अगर किसी ख़ास काम के लिए अगर फैमिली सपोर्ट के लिए आपको किसी जॉब के लिए किसी और काम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो फिर भी उसके बाद बहुत समय बचता है जिसमें एक सक्सेसफुल स्टोरी लिखी जा सकती है आप लिख सकते हैं आप खाली ये देखें कि बाकी बचे टाइम में मेरी प्रायोरिटी क्या है अगर बाकी बचे प्रायोरिटी में आपका सोशलाइजेशन एंटरटेनमेंट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड देन स्पेंडिंग टाइम लाइक एनी बडी एल्स इज़ डूइंग अगर वही आपकी प्रायोरिटी है फिर तो यहाँ मुश्किल हो सकती है उसके बाद के बचे हुए टाइम में पूरी की पूरी प्रायोरिटी यहीं जानी चाहिए एंड आई एम श्योर यू कैन मैनेज योर फैमिली यू कैन मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फैमिली एंड देन यू कैन डेफिनेटली सक्सीड इन दिस आई थिंक आपके पास बहुत सारे स्टोरीज कई सारे स्टोरीज तो इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे जोशॉक के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप देखेंगे लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं कि कैसे किन किन परिस्थितियों से उन्होंने सक्सेस प्राप्त किया अगर मेरी आप समझो तो मैं बताऊँ मैंने एक भी अचीवर को नहीं देखा जिसने परेशानियों को बाधाओं को नहीं झेला हो और उसको एक सक्सेस मिल गया हो द नो बडी लाइक दैट इसको अपना स्ट्रेंथ बनाए और कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते रहें डो नॉट थिंक दैट कि एक साइज uh, या एक सोल्यूशन जो मैं दे दूंगा वो सब फिट हो जाएगा हर टाइम में नहीं इफ़ यू हैव द इफ यू हैव द आई टू इनोवेट इफ यू यू हैव एन आई टू इम्प्रोवाइज आई एम श्योर यू वुड फाइंड ए सोल्यूशन एंड कुल मिलाकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फैमिली को समझते हैं कि उसका मैनेजमेंट एक आपके लिए बाधा है तो वो बाधा रहेगी अगर आप समझते हैं कि ये मेरा पार्ट ऑफ द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई एम श्योर यू वुड नेवर कंप्लेन एंड यू वुड बी एबल टू मैनेज योर फैमिली एंड योर गोल बोथ टुगेदर प्रायोरिटी ठीक कर लें एंड आई एम श्योर यू विल बी प्राउड ऑफ योर अकॉम्पलिशमेंट और फिर संभवतः इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी स्टोरी जो आप देंगे तो आगे बहुत सारे और लोग भी दे वुड बी एज मोटिवेटेड एज

उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आपके लिए जो स्टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से वो वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहाँ पर वो देश की सेवा कर सकें मैं मानता हूँ कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा और ये एक ऐसा मुकाम है एक ऐसा अवसर है देश का जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से वी कैन ऑलवेज़ कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटिफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं